का चित्तौड़। बड़ी सुंदर महिमा आपने सुनी, आप सुनते हैं महाराणा प्रताप कि धन्य धन्य वो धरा, धन्य धन्य वो धरा जिसकी शक्ति भक्ति स्वाभिमान कभी बिका नहीं, धन्य धन्य वो धरा जिसकी शक्ति भक्ति कभी स्वाभिमान बिका नहीं। और धन्य था वो सूरवीर महाराणा, धन्य था वो सूरवीर महाराणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। बड़ा फौलादी सीना था राणा का, टकरा कर तीर सीने से टूट जाते थे और हिन हिनाता था चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे सूरवीर महाराणा प्रताप के लिए। थोड़ा सा एक आधा और बोल दो आ जाइए। और आज से 10 साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इधर पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री थे वो रोजाना उनके दिमाग में यही चलता था कि हिंदुस्तान पर कैसे घात करें, हिंदुस्तान में कैसे आतंक फैलाएं। क्या उधर वो जरदारी नित नूतन घातें करते थे, उधर वो जरदारी नित नूतन घातें करते थे और इधर हमारे मनमोहन जी कोरी बातें करते थे। अरे उस दिन पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका भी हिल गया और जिस दिन से महाराणा प्रताप जी हिंदुस्तान को मिल गया मोदी के रूप में, एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। चलिए, जिस विषय के लिए मुझे यहां पर बिठाया गया मैं है प्रस्तुत करूं, आज इस देश को जो वैभव दिखाई देता है, इस देश का गौरव और इस देश का यश पूरी दुनिया में दिखाई देता है, मैं समझता हूं कि इसके बहुत सारे कारण यदि कहे जाएं तो बहुत सारे उसके जवाब होंगे, परंतु सबसे सुंदर जो जवाब है वो जवाब सिर्फ और सिर्फ बलिदान है। इस देश में बलिदान हुआ इसलिए ये सारी चीजें हैं। राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती, राजस्थान संत सूरवीरों की धरती, राजस्थान तपस्वी ऋषि मुनि दानदाता और गौ सेवकों की धरती, राजस्थान के प्रत्येक गांव में कोई न कोई इतिहास आपको मिलेगा। अभी जब कार्यक्रम चल रहा था तो बीच में चावंद का नाम आ रहा था, तो चावंद जो जगह है वो महाराणा प्रताप की जीवन की अंतिम राजधानी जो है वो चावंद रही। महाराणा प्रताप ने चावंद की धरती पर अपने प्राणों को त्याग दिया और बहुत लंबी आयु नहीं, मात्र 57 वर्ष ही जिए, लेकिन अकबर का सपना था, अकबर ये चाहता था कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे महाराणा से लड़ाई नहीं करनी, मुझे कोई सेना का युद्ध नहीं करना। महाराणा सिर्फ एक बार ये कह दे कि अकबर को मैं बादशाह मानता हूं, परंतु भूख मरो या प्यास मरो, नीवाड़ी धड़ा आ जाती रहे, भोरी उजाड़ा में भटक पण मन में मारी याद रहे। रज पूतन रो जायो हो, रजपूती कर्ज चुकाओ रो, ओ शीश पड़ी पर पाग नहीं, दिल्ली को मान घटाओ। आहा था में तलवार थका, कुनिरांड की वेली रजपूती, न्यानारी बदले बेनारी, छाती में देवे नासूती। और क्या मेवाड़ धधक तो अंगारो,
आंधा में चम 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 के लो कड़कीरी उठती दाना पर पग पग पर खांडो खड़के महाराणा प्रताप ने जब ये संदेश भेजा कि पृथ्वीराज कभी इन विदर्भियों के सामने कभी इन मुगलों के सामने अपनी मूंछों को नीची मत होने देना, मैं अपनी रक्त गणों से मैं अपने रक्त बूंद बूंद से मां भारती की मांग सजा दूंगा। और जब ये संदेश गया जद नाना रो संदेश गयो पीथल री छाती दूनी इंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सुनी इंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सुनी बस बहुत सारे परिचित लोग बैठे क्योंकि तो मैं 14 फरवरी को आगे गया। निवाड़ ओसवाल सेवा संस्थान ने कार्यक्रम करवाया, उसके बहुत सारे महानुभव सामने बैठे। मैं महाराणा प्रताप की उस ओजस्वी पंक्तियों को प्रस्तुत कर रहा हूं और एक बार दोनों हाथों को उठाकर भारत माता की हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो उच्ची तक नो आसमान कथे। आप सभी की ताली होगी जी मायड़ था रो कथे एक लिंग थी भान कथे महाराणा प्रताप कथे हल्की घाटी में समर लड़ो हल्की घाटी में समर लड़ो ताली होगी मायड़ था रो भूत कथे एक लिंग दीवान बोल मायड़ था रो भूत कथे एक लिंग दीवान कथे महाराणा प्रताप कथे मैं बाँचो है इतिहासों में मायड़ थे एरा पूत जना धन पान लजायो नहीं थारो धन पान लजायो नहीं थारो रणधीरा दे सरदार बना छुको नहीं नर ना हरियो छुको नहीं नर ना हरियो छुको नहीं नर ना हरियो अकबर की सेना रे आगे कठे
अब सभी मेवाड़ी वीरों के साथ गाना चाहता हूं, हाथ नीचे होंगे कायर कहलाओगे। बाजड़ थारो वो दूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे, वो महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ो, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो, तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो, रखियो तुलाज उनकी आवाज़, वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का, हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का, चेतक महान है तू धरती की शान है तू, चेतक महान है तू धरती की शान है तू, रखियो तू लाज उनकी आज है, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुम्हारा दोनों हाथों को उठा के कह देना, हर चुप कर वो तन मन धन मांग रहा बलिदान वचन, अर्पित कर दो तन मन धन मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के कामन्यार, अगर देश के कामन्यार, तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार, क्योंकि आज देश की सीमा पर संकट का बादल मंडराया, ये पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया, आलमगीर 2014 के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर रखी है। मित्रों आज हम बैठे हैं, हमारी पीढ़ियां जब इतिहास गाएगी तो ये दृश्य गाए जाएंगे कि ऐसा ऐसा मदारिया के सूरवीरों ने इस प्रकार की चेतना जगाई थी कि 2024 में एक बार फिर तो इसी संकल्प में आता हूं इसी संकल्प को उठा के हाथों को भारत रावीर जमाना थी, भारत रावीर जमाना थी, यानी वो सबको सिखा दी दो, और क्या
देहो प्रताप का ही वंशज जाने आ बात बता दीजो। यो कश्मीर भारत को है, यो कश्मीर भारत को है, उन्हें आंख दिखावे आज रखे। नागड़ थारो वो टूट कठे, मेरी शान तिरंगा है, मेरी नाम तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है। मेरे साथ बोल देना एक बार, दोनों हाथ उठा के सुनो, जोर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डाल, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे। देखो एक्चुअल में क्या आप लोगों के बीच में अंधेरा है, मुझे दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन आपकी आवाज मेरे कानों तक आ जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरा गाना सफल हो जाएगा। जितने भी भारत के लाल होने का गौरव रखते हैं वो सभी देशभक्त लोग मेरे साथ में दोनों हाथ उठा के बोल देना हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हमको डाल, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हमको डाल, चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे। जीते हो किसी ने देश का, अपने तो दिलों को जीता चुकी सारी दुनिया, इसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं नेकी मैं गीत कहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता प्रीत जहां की भी सदा। भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, यही जहाँ की भी सदा, यही जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। गाने सदमावे इमर देव दमन ने आवे, हीरो
की धोलाई आपको सुरगा ने शर्मावे ही पर देवन मन ने आवे हीरो जस नर नारी गावे भक्ति धोलाई भक्ति धोलाई ओ भक्ति धोलाई काला बादली जा गहरावे बिरखा धूंधड़ी खमकावे बिजली धरती ओड़ा खावे धरती धोरारी 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 धरती धोरारी ओ धरती धोरा लग जामे पटिदारी कोटा बूटी कदन जानी चंबल की भी आई कहानी धरती धोरारी धरती धोरारी ओ धरती धोरारी आपको सुजगाने सदमावे ही पर देव मन ने आवे हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी 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 धरती धोरारी 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 धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी उसी मेरे प्यार का जाम दे वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे अपने बेटे का नाम दे मेरी माँ को मेरी
उस जाके तू ही पयाम दे। क्या मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में आम की छाँव में, पुराने पीपल से के माँ के आंचल से किसी के आंचल से किया जो वादा फिर वो निभाऊंगा। मैं वापस ये सैनिक मैं वापस तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया उठा ले पर हाथ दे तेरा मेरा अफसाना। जिंदगी सवारी मुझको गली लगा के बिठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गली बुला के बिठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, यादा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा याद कहाँ ऐसा याद आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। इसी बीच पे घर घर में अब कहीं ना क्या, बस अंतिम में गा रहा हूं फिर वापस लोक नृत्य का कार्यक्रम होगा फिर समापन में फिर गाएंगे, तो एक बार मेरे साथ बोल देना घर घर में अब कहीं ना, घर घर में अब कहीं ना एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा, दोनों हाथ उठा के मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। घर घर में अब कहीं ना, घर घर में अब कहीं ना एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम 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 बोलो, मेरे भारत का बच्चा बच्चा